Good afternoon, children. Welcome to your intermediate first year Hindi class. बच्चों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है? याद है हो या ना हो, मुझे तो आगे का क्लास लेना ही है. तो यहाँ पर उसने हम लोगों ने बदकमा के बारे में कुछ कुछ अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनी है. पर तुमको इस बात का खाली ध्यान रखना है कि बदकमा का त्यौहार किसका त्यौहार है, किस राज्य का त्यौहार है, कैसे मनाते हैं, 9 दिन इसका क्या 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 होता है और 9 दिन में इसकी पूजा किस प्रकार से की जाती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में तुमको ज़्यादातर ध्यान रखने की ज़रूरत है. और आज हम लोग मैं समझती हूँ कि आई स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 80 क्लास फाइव से स्टार्ट करती हूँ. हुआ या नहीं हुआ मैं एक बार उसकी रीडिंग करती हूँ. इसके अतिरिक्त एक पौराणिक कहानी भी है. कहानी एक प्यारी बहन के बारे में है. उसके साथ भाई थे, सभी वीर और साहसी. सभी के विवाह हो चुके थे. सभी भाई अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे, किंतु भाभियाँ ईर्ष्या करती थी. एक दिन सभी भाई शिकार के लिए वन गए. बहुत देर होने पर भी वे नहीं आए. इसी अवसर का लाभ उठाकर भाभियों ने बहन को बहुत यातना दी. बहन भाभियों की यातनाओं से तंग आकर घर छोड़कर चली गई. जब उनके भैया पहुँचे तब वे अपनी प्यारी बहन को ढूंढने लगी. आवाज़ भी दी किंतु यह नहीं आई. उन्हें पूरी बात समझ में आ गई. अपनी बहन की खोज में उन्होंने धरती आकाश एक कर दिया. खोज कर बहुत थक चुके थे. प्यास बुझाने के लिए एक कुएं के पास पहुँचे. वहाँ पर कमल के फूलों से भरा एक तालाब था. उन्होंने देखा कि तालाब में से एक बड़ा सा कमल का फूल खिलकर बाहर आ रहा था. उस प्रांत के राजा ने उस फूल को तोड़कर अपने महल के तालाब में लगा दिया. तालाब के किनारे घने दातुन के पौधे उगाए. कुछ दिनों के बाद साक्षात विष्णु भगवान धरती पर आकर उस कमल के फूल को मनुष्य के रूप में बदल दिया. इस अवतार को उन्होंने माता लक्ष्मी का अवतार घोषित किया. फूल का माँ लक्ष्मी के अवतार में बदलना जीवन प्राप्ति का प्रतीक है. इसलिए यह घटना बदकमा के नाम से प्रसिद्ध हुई. उसी दिन से माँ लक्ष्मी के जीवन प्राप्ति के अवसर पर बदकमा त्यौहार मनाने की परंपरा आरंभ हुई. लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया बच्चों, कि एक एक बहन के साथ भाई थे, सॉरी, और साथ भाई अपने बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. एक दिन ये सातों भाई शिकार के लिए कहीं चले गए. और इन ये भाई की पत्नियां जो भाभियां कहलाती है, ये अपने ननन से ईर्ष्या करती थी. कोई भाई का बहन से प्यार करना इनको पसंद नहीं था. और जब भाई शिकार पर गए तब इन्होंने क्या किया, इस बहन को बहुत कष्ट देना शुरू किया. और इस कष्ट को सहन करके ये लड़की वहाँ से चली गई. कुछ दिन बीतने के बाद जब शिकार से भाई लौट आए तब उन्होंने अपनी बहन को पुकारा, तब उन्हें कुछ उत्तर नहीं मिला. जब बहन का उत्तर नहीं मिला तब उसने क्या किया कि उसको खोजने के लिए वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे. घूमते उन्हें खूब प्यास लगी. जब उन्हें प्यास लगी तो वे एक नदी के किनारे गए और उन्होंने वहाँ पर पानी पीने की कोशिश की तो वहाँ से एक सुंदर सा कमल का फूल खिलकर बाहर आ गया था. उस फूल को तोड़कर राजा ने क्या किया, उसको अपने महल में रख लिया. और उसके आजू बाजू जो थे कुछ जिस फूल से बदकमा की या लक्ष्मी का रूप मानते हैं, उस फूल के पौधे वहाँ पर उगाए. और उगाए और उसके और उन पौधों को उस फूल को देकर साक्षात विष्णु भगवान ने अवतार लिया. और उन्होंने
उस गुलाब के फूल को मनुष्य के रूप में बदल दिया और वही माता लक्ष्मी यानी कि स्त्री रूपी मानव रूप में उसको बदल दिया और वही लक्ष्मी लक्ष्मी बन गई। इसीलिए उस तंगड़े फूल से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और वही लक्ष्मी और वो फूल में शायद सोचते होंगे कि ये हमारी बहन है और इस प्रकार से उस माता देवी की पूजा करके ये लोग उससे सुख शांति का वरदान मांगते हैं। बथुकमा के नाम से प्रसिद्ध ही उसी दिन से माँ लक्ष्मी के जीवन प्राप्ति के अवसर पर बथुकमा त्यौहार मनाने की परंपरा आरंभ हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि चोल नरेश धर्मागंत और उनकी पत्नी सत्यवती के 100 पुत्र थे। वे सब एक महायुद्ध में मारे गए। इस दुख के उभरने के लिए राजा धर्मागंत और रानी सत्यवती ने कई पूजा पाठ यज्ञ आदि पूजन कार्य किए। फलस्वरूप उनके घर में साक्षात लक्ष्मी देवी का जन्म हुआ। बचपन में ही बड़ी हुई घटी हुई दुर्घटना के बावजूद वह सुरक्षित बची रही, इसलिए माता पिता ने उसका नाम बथुकमा रख दिया। एक दूसरे मान्यता यह भी है तो यानी कि और की कहानी बताई कि एक राजा था उसका नाम था धर्मांगत और उसकी पत्नी का नाम था सत्यवती। तो उनके 100 पुत्र थे और सारे 100 पुत्र 100 बेटे क्या हो गया एक युद्ध में मारे गए। और जब 100 पुत्र युद्ध में मारे गए तब ये लोग जिसके बच्चे मर जाते हैं तो नेचुरल है साहजिक है कि माता पिता दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो माता पिता थे ये क्या हो गए बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने अब क्या करना दुख से उभरने के लिए अपने आप को क्या कहेंगे कि बिजी रखने के लिए उन्होंने यज्ञ पूजा पाठ की ओर अपना ध्यान लगाया और वे पूजा पाठ कर लगे। तब उन्हें और एक लड़की भी और उस लड़की की एक लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी के रूप में उसकी वो देखभाल करने लगे। उसी प्रकार से वो बड़ी हो गई और उसका नाम वही है शायद बथुकमा। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है क्योंकि लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उसे लड़कियों से घर की शोभा होती है ऐसा माना जाता है। तो किसी घर में जब लड़की पैदा होती है तो कहा जाता है कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आई हुई है। और दूसरी और की कहानी है कि जब माँ गौरी से तमिलनाडु का वध महिषासुर का सॉरी कि जब माँ गौरी ने महिषासुर का वध किया तो सिद्ध से उत्पन्न थकान से जो बेहोश हो गई कहते कि उन्हें उठाने के लिए वहाँ उमड़ी स्त्रियों की भीड़ में बथुकमा गीत गाया था। इस कथाओं के अतिरिक्त भी कई लोक और मिथकीय कथाएँ मान्यता में हैं। जो भी हो इन सभी बाधाओं से जीवन प्रदानी माता की महत्ता का गुणगान होता है। तो ये और एक कहानी कहते हैं कि जब माँ गौरी ने महिषासुर का वध किया था इसलिए उसको महिषासुर मर्दनी कहा जाता है और वध किया था और उस वध में उसने महिषासुर उसमें मर गया और वो युद्ध के कारण वो बेहोश हो गई। तो उस बेहोशी में बेहोशी से उठाने के लिए लोगों ने क्या किया बथुकमा का गीत गाना शुरू किया। इसीलिए लोग बथुकमा बथुकमा उया लोग कहकर उसको गाकर उसको उठाते हैं और उस प्रकार से उसकी प्रार्थना करते हैं। और ऐसे अनेक कथाएं इस बथुकमा के बारे में है। 9 दिन का बथुकमा त्यौहार मनाने के बाद स्त्रियां बथुकमा को जल में विसर्जन करती है। यह प्रक्रिया विशेष ढंग से संपन्न होती है। उस दिन सभी स्त्रियां अब अपने बथुकमा लेकर तालाबों जल स्रोतों के किनारे पहुंचकर माँ गौरी देवी के प्रतीक बथुकमा का विसर्जन करती है। विसर्जन के समय वे बथुकमा से अपने समाज परिवार व स्वयं की मंगल कामना करती है और इसके बाद से क्या करती है उस बथुकमा को लेकर नदी किनारे नदी के अंदर झील के अंदर किसी पौंड के अंदर क्या करती है उस बथुकमा का विसर्जन करती है और उससे प्रार्थना करती है कि मेरा मेरे देश का मेरे राष्ट्र का सभी का कल्याण और सबकी रक्षा करो या इसके इस प्रकार से प्रार्थना करती है। बथुकमा विशेषकर स्त्रियों का त्यौहार है। इस त्यौहार में
इस त्यौहार की वे केंद्र बिंदु होती है। उनकी भक्ति और श्रद्धा, उनमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान व आत्मगौरव की भावना दर्शाती है। यह त्यौहार भारतीय समाज में स्त्रियों के गौरवशाली वैभव का गुणगान करता है। माँ शक्ति की प्रति गौरी माँ की भी गौरी भी एक स्त्री है। सुख शांति व संपन्नता की प्रतीक लक्ष्मी की भी एक स्त्री है, इसलिए स्त्रियों को साक्षात देवी का अवतार माना जाता है। इस त्यौहार के से हमें यह पता चलता है कि स्त्रियां न केवल सभ्यता, प्रेम, समर्पण, त्याग की प्रतीक है, बल्कि समय आने पर समाज के हित के लिए अपना पवित्र सर्वस्व त्यौहार सर्वस्वेच्छार करने के लिए तत्पर रहती है। इससे विशेषकर यह त्यौहार है और माना जाता है कि स्त्री में आत्मविश्वास होता है, आत्मसम्मान होता है, आत्मगौरव की भावना होती है और हमेशा दूसरों की भलाई ही चाहती है। इसलिए भारत समाज में स्त्रियों को देवी माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि किसी घर में जब लड़की पैदा होती है तो कहा जाता है कि यह आज तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। इस प्रकार भारतीय समाज में स्त्रियों को देवी का, लक्ष्मी का मान देकर उनका गौरव किया जाता है, क्योंकि उन्हें एक लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, देवी का अवतार माना जाता है। और ये ही नहीं कि क्योंकि स्त्रियों में कहा जाता है कि त्याग की भावना होती है, ममता होती है, प्रेम होता है और दूसरों के प्रति समर्पण करना, वो अपने पति के प्रति समर्पित, चाहे उसका पति कैसा भी क्यों न हो उसके प्रति वो समर्पित रहती है। ये सारी भारतीय स्त्रियों में ये सारे अच्छे गुण हैं। समर्पण का गुण है, प्रेम का है, ममता का है, त्याग का गुण है। सभी की भलाई वो चाहती है, वो कभी किसी की बुराई, कभी कोई औरत किसी की बुराई भी नहीं चाहती। ये सारे गुणों के कारण उसको लक्ष्मी या देवी का अवतार माना जाता है। और यह त्यौहार इसलिए सबके भले का त्यौहार है, इसके लिए बथुकम्मा का त्यौहार के बहाने लोग क्या करते हैं कि उसको उसकी पूजा करके और उसकी भलाई के लिए उसको एक नदी के किनारे समर्पण करते हैं। और वह माना जाता है कि जो स्त्रियां होती है घर की बुराइयों को दूर रखने की कोशिश करती है, इसलिए वो हमेशा किसी की नज़र लग जाए इसलिए बुराई से दूर रहने के लिए उसकी दृष्टि निकालती है, नज़र निकालती है। और ये इसीलिए हाँ, और वो जहाँ स्त्रियाँ होती है, जिस घर में सिर्फ पुरुष वर्ग होता है, पुरुष वर्ग किसी को मिलाने की कोशिश नहीं करते हैं, किसी के साथ रहने की कोशिश नहीं करते, जब स्त्रियाँ होती है, स्त्रियाँ पुरुष के साथ जब साथ देती है तो घर एक स्वर्ग एक समान बन जाता है। सभी को जोड़ने की कोशिश करती है, तोड़ने की आजकल तो तोड़ती है पर तोड़ने की कोशिश कभी भी नहीं करती है। बथुकम्मा त्यौहार के बहाने घर की स्त्रियाँ परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधती है। वास्तव में स्त्री तो वह देवी है जो अपने घर को कलह, शत्रुता और बुरी नज़र से बचाती है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान और आदर होता है वहाँ साक्षात भगवान निवास करते हैं। यह त्यौहार उस रूढ़िवादिता का विशेष करता है जहाँ पुरुष प्रधान माना जाता है। यह त्यौहार स्त्री शक्ति को पहचानने, उनका आदर करने और समाज में उचित स्थान देने पर बल देता है। तेलंगाना यदि शरीर है तो बथुकम्मा उसकी आत्मा है। बथुकम्मा के बिना तेलंगाना राज्य की कल्पना करना असंभव है। 9 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में स्त्रियों के करताल से सारा वातावरण गूंज उठता है। करताल ध्वनि से, यानी कि ये जो बथुकम्मा, अगर तेलंगाना एक राष्ट्र है तो उसकी आत्मा क्या है? बथुकम्मा है। बथुकम्मा नहीं है तो जैसे कि आत्मा नहीं होती तो हम लोग जी नहीं सकते, उसी प्रकार अगर बथुकम्मा नहीं है तो तेलंगाना राज्य भी नहीं है। और इसीलिए ये त्यौहार 9 दिन तक रहता है और 9 दिन तक यहाँ की स्त्रियाँ इस बथुकम्मा की पूजा 9 दिन तक किसी न किसी रूप से ताले बजाकर स्वागत करते हुए उसकी पूजा करते हैं। 9 दिन तक यहाँ का वातावरण बहुत ही आनंदित होकर उठता है, नीरस की सरस बना जाता है, निर्जीव भी सजीव सा बन जाता है।
स्त्रियों के चेहरे पर बथकुमा के बहाने जो मुस्कान और खुशियाँ दिखाई देती है उनके पीछे उनकी मंगल कामना की भावना है। यानी कि जब हम लोग खुश होते हैं तो हमारे मुख पर उस खुशी अपने आप दिखाई देती है, अपने आप हम लोग मालूम कर लेते हैं कि ये इंसान कितना खुश है इसको देखने के बाद। और जब ये नौ दिन में ये स्त्रियाँ बड़े क्या कहते हैं कि श्रद्धा से भक्ति से जब इस त्यौहार को मनाते हैं तो अपने आप में इनके उल्लास को देखकर इनकी खुशी को देखकर मन आनंदित हो जाता है, क्योंकि स्त्रियों में एक मंगल कामना भरी होती है। वे अपने गीतों के माध्यम से माँ गौरी देवी की प्रार्थना करती है कि बरसात में दिनों में घटने वाली अनहोनियों से न केवल उन्हें बल्कि उनके घर परिवार समाज को बचाए। यानी कि जब वो प्रार्थना करती है, जब गीत गाती है और वो करती है कि जब बारिश के दिनों में कुछ ना कुछ कई प्रकार अनहोनी घटनाएं घट जाती है, तो इस अनहोनी घटना घटने के बाद भी जो उसके घर के सदस्य है, जो समाज के सदस्य है, जो उसके राष्ट्र के सदस्य है, सभी की वह रक्षा करे, इस प्रकार की प्रार्थना बथकुमा से करती है। चारों तरफ हरियाली, पानी की भरपूर मात्रा, घर आंगन में खुशियों का वातावरण बना रखें। और कहते हैं कि चारों तरफ खुशहाली भरी रहे, यह बथकुमा त्यौहार की विशेषता मानी जाती है। आइयो खत्म हो गए बच्चों, अगर इसमें से कुछ भी पाठ लेसन तुम्हारे कुछ भी प्रश्न तुम्हारे लिए आया तो मैं समझती हूँ कि हमारे क्लास का बच्चा उसको लिखने में समर्थ है। जैसे कि भारत त्यौहार का देश है, यह लगभग हर राज्य के अपने अपने राज्य पर्व है। भारत त्यौहार का देश है, ये बिल्कुल सत्य है। भारत देश में हर महीने में हर तिथि में कुछ ना कुछ त्यौहार आता है। जैसे अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम लोग सोचा जाए तो हम सोच सकते हैं कि जैसे अगर महीने की बात हम लोग करें तो जनवरी में तो 1 जनवरी ईसाइयों का त्यौहार है, फिर भी हम उसको नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इस महीने में आता है संक्रांति का त्यौहार, जो हम लोग धरती के प्रति प्रकृति के प्रति अपना आभार प्रकट करते इस त्यौहार को मनाते हैं। फेब्रुवरी में आता है महाशिवरात्रि, शिव के प्रति जो मंगल कामना है, सुख शांति देने वाला शिव है, कल्याणकारी, इसलिए हम लोग उसका त्यौहार ज़्यादातर फेब्रुवरी मनाते हैं। और इसी महीने में आती है बसंत पंचमी, जो पूरे धरती को हरा भरा बना देती है। तीसरा महीना आता है चैत्र वैशाख, हिंदी महीने से लेंगे बच्चों हम लोग, अच्छा अंग्रेजी से भी थोड़ा चले जाएंगे, तो उगादी का सॉरी होली का त्यौहार आता है, ये एक दूसरे को मिलाने के एकता का भावना भर देती है। इसके बाद आता है गुड़ी पाड़वा, जो नए वर्ष का हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का रूप है। उसके बाद से आता है अप्रैल, श्री राम नवमी मनाते हैं हम लोग, अप्रैल में आते हैं अम्बेडकर जयंती, जिन्हें लोक कल्याण की भावना से लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। भगवान येसु का क्या कहते हैं कि निर्वाण दिवस भी अप्रैल में आता है। मई के महीने में अक्षय तृतीया वगैरह आती है, जून के महीने से दानिक त्यौहार शुरू हो जाते हैं, नागपंचमी आती है, श्रावण मास शुरू हो जाता है, घर घर में गणेश चतुर्थी आती है, श्रावण मास को बड़ा इम्पोर्टेंस माना जाता है। उसके बाद आती है गौरी पूजा, उसके बाद आता है अमावस्या, जो बड़ों के प्रति हम लोग अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। उसके बाद आता है दशहरे का त्यौहार, आती है दिवाली, दिवाली के बाद में गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, इस प्रकार से हर महीने में हमारे हिंदू कैलेंडर में अंग्रेजी कैलेंडर में हर एक महीने का एक एक इम्पोर्टेंस है। उसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो चैत्र महीने में आता है चैत्र प्रतिपदा, फेब्रुवरी में जैसे मैंने बताया कि बसंत पंचमी, तो उस प्रकार से त्यौहार मनाए जाते हैं। और हर एक तिथि में हमारे देश में हर एक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। चैत्र प्रतिपदा को हम लोग गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, जो नए वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। द्वितीय को हम लोग मनाते हैं यम द्वितीय या भैया दूज, तृतीय को हम लोग मनाते हैं गौरी पूजा या गौरी पूजा, त्रयोदशी तृतीया अक्षय तृतीया, चतुर्थी को हम लोग मनाते हैं गणेश चतुर्थी,
पंचमी को हम लोग मनाते हैं बसंत पंचमी, षष्ठी को हम लोग मनाते हैं हल षष्ठी, सप्तमी के हम लोग आते हैं रथ सप्तमी, अष्टमी के हम लोग मनाते हैं दुर्गाष्टमी, नवमी के हम लोग आते हैं नवरात्र या श्री राम नवमी, दसवीं को हम लोग मनाते हैं दशहरा, ग्यारहवीं को हम लोग मनाते हैं पुत्रदा एकादशी या एकादशी, बारहवीं को हम लोग मनाते हैं कि गुरु बारस, त्रयोदशी को हम लोग मनाते हैं धनतेरस, चतुर्दशी को हम लोग मनाते हैं नरक चतुर्दशी, अमास को हम लोग मनाते हैं दिवाली वगैरह, पूर्णिमा को हम लोग मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा वगैरह। इस प्रकार से हमारे भारत देश त्योहारों का देश है, हर महीने में हर तिथि में कोई ना कोई त्यौहार पड़ता है और सभी त्यौहार में लोग आप अपने धर्म के अनुसार आप अपने त्यौहार मनाते हैं। हिंदू लोग हिंदू धर्म के अनुसार मनाते हैं, मुसलमान लोग मुसलमान के अनुसार मनाते हैं, और जब कोई भी त्यौहार किसी महीने में भी आता है तो देश के सारे लोग इस त्यौहार में सम्मिलित हो जाकर एक दूसरे के खुशी में शामिल होते, एक दूसरे को बधाई देते हैं। तेलंगाना यदि प्राण है तो बतकम उसकी आत्मा है, तो तेलंगाना ये बतकमा के बारे में बताया गया है। बतकमा का अर्थ कैसे भी मालूम है, ये त्यौहार कितने दिन सॉरी बच्चों मनाया जाता है, बतकमा त्यौहार के किन किन फूलों का उपयोग होता है ये नाम देकर बताओ। तेलंगाना का राज्य पर्व क्या है, यू नो इट वेरी वेल बतकमा। धर्मांगद की पत्नी में क्या था, नाम क्या था, सत्यवती। किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है, बतकमा को। बतकमा का विसर्जन कहाँ करते हैं, नदी या तालाब में। बच्चों आज का क्लास हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म किया है, कल अगर हमको पढ़ना है तो कल हम लोग पढ़ेंगे। खेले तो ऐसे खेलो जो योगी धनराज के बारे में शायद क्रिकेट धनराज हॉकी प्लेयर के बारे में है, तो हम लोगों ने बहुत सारे पाठ ख़त्म किए हैं। अब दो ख़त्म करने के बाद हम अपना लेसन्स कंप्लीट करते हैं। अभी अगर हम लोग काल के बारे में अभी हम वाक्य संरचना पढ़े हैं, कारक के लिए मैंने जैसे बताया कि उसके लिए विभक्तियाँ होती है, कारक में पहली विभक्ति होती है कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान संबंध अधिकारण और संबोधन। कर्ता यानी कि जो करने वाला है, जैसे हम लोग बात करेंगे तो राम ने रोटी खाई, करने वाला कौन है, राम, इसलिए राम उसका उसकी विभक्ति लगती है ने, यहाँ पर उन्हें का प्रयोग होता है। कर्ता कौन, कर्म कर्ता जिस पर कर्ता किस पर कर्म करता है, जैसे कि राम ने रावण को मारा, किस पर कर्म किस कौन मारा गया, यहाँ पर रावण मारा, इसलिए रावण को, तो को उसकी विभक्ति होती है को। करण में क्या होता है, से का प्रयोग होता है कि किससे मारा, तलवार से मारा। और नेक्स्ट वन है संप्रदान, किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा हम लोग कह सकते हैं। अपादान अपादान से क्या है कि छुटने का प्रयोग होता है, पेड़ से पत्ता गिरा, राम अयोध्या से लंका गए, यानी कि राम ने अयोध्या को छोड़ा और लंका पहुंच गए, स्टेशन से ट्रेन छूट गई, ये है। उसके से अधिकरण, अधिकरण में क्या है कि हम लोग किसी के सहारे रहता है, पुस्तक मेज पर है, इसका प्रयोग होता है पर, पेड़ पर पक्षी है, आकाश में हवाई जहाज है वगैरह। और संबोधन में जब हम लोग किसी को बुलाते हैं, अरे ओ ए रामो इतरा, हाय राम ये क्या हो गया, अरे रे इसको क्यों मारा, ये क्या है संबोधन। इस प्रकार से ये कारक है, और हम सिंपल शब्द से इन कारकों को हम लोग क्या करना है, जो एग्जाम में परीक्षा में जो देते हैं तुमको, जस्ट यू हैव टू कंप्लीट विद द सुटेबल वर्ड, इस सूटेबल वर्ड से कंप्लीट करना तुमको मालूम है, बट यू डजंट नो द कारक क्या है। इसलिए कारक की जानकारी देने से सिर्फ अगर उसने दिया कि कारक से पूर्ण करो या कारक पहचानो, तो तुमको ये वर्णे से पर के लिए वगैरह इसको अंडरलाइन करना है या उसको लिखना है, और संबोधित मालूम है। इस प्रकार से एक समय प्रश्न दिए जाते हैं, यह है कारक। आज हमारा क्लास इस समय पर ख़त्म हो चुका है बच्चों, अनुवाद यू नो अनुवाद, और यहाँ पर कुछ नमूने के प्रश्न दिए गए अंत में, तो दोहे से हमको दो दोहे में से एक दो आता है, वहाँ पर उनका नाम मेंशन किया जाता है,
दूसरा आता है कि दो दो कविता में से एक का सारांश आता है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर दी गई है चार ही कविताएं, तीन ही कविताएं हैं, तो तीनों को तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो यू आर एबल टू राइट। समता का स्वाद इज ईजी, प्रथम बल रश्मि ऑल्सो ईजी, दान बल बल भी बहुत ही आसान है हमारे लिए। उसके बाद में है टेक्स्ट बुक्स में हम लोगों के दिए गए हैं, शायद ये इतना तो नहीं दिया होगा, छोटे छोटे प्रश्न देंगे शायद। तो यहाँ पर फिर गद्य भाग में से दो में से एक को हमको लिखना है, यू आर एबल टू राइट। बदकवा समय पर मिलने वाले पाठ हमारे लिए नहीं है, पर तो उसके लिए शायद वो तुमको अपराजिता या गिल्लू भी दे सकता है। शिष्टाचार नियम पूछ आगे प्रश्न पूछ सकता है, गिल्लू अपराजिता भी तुमको दे सकता है, बदकवा भी दे सकता है। उसके बाद से नॉन ट्रेल में जो है हमारे पास है सो है दो की शिक्षा, हार कीजिए अच्छे से पढ़ो शिक्षा, यू आर एबल टू राइट। और धरती को खेलो तो ऐसे खेलो इस अबरदत धनराज पीले, इसके बारे में तुम लिख सकते हैं। और धरती को बचाएं, ये पाठ क्या है हमारे लिए, हमको ये पोल्यूशन और पर्यावरण के बारे में पाठ दिया गया है। अब शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, सफलता की कुंजी ये हमको दिए गए हैं ज़्यादातर नॉट के प्रश्न ही हैं। सफलता की कुंजी टीम वर्क पाठ का सारांश लिखो, हार की जीत का सारांश लिखो, वन को नष्ट करने से दुष्परिणाम, ज्ञानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, ये शायद चार में से हमको शायद दो ही देंगे। अब चारों प्रश्न को मालूम पढ़ लिया तो दो प्रश्न को लिखने हमको मालूम हो जाता है। अगेन देखिए तो संदर्भ शायद इसको ओमिट करेंगे, ये भी शायद ओमिट करेंगे। देन दे में आस्क यू द शॉर्ट क्वेश्चंस, यू आर एबल टू राइट इट। शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग लिख सकते हैं कि तुलसी के अनुसार मीठे वचन बोले से क्या लाभ है, चार और सुख फैलता है, माँ ये दिस स्टेशन इज नॉट देर, माँ किसके लिए किसकी कवि ने प्रातःकाल का वर्णन किस प्रकार किया है। शॉर्ट क्वेश्चन में फूलों का दान करने से पेड़ को क्या लाभ होता है, ये कल हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज शिष्टाचार पढ़ना है, हरिशंकर प्रसाद जी नहीं है, वीरजननी एंड किल्लू, यू आर एबल टू राइट द किल्लू। सो दिस आवर क्वेश्चन पेपर, आई थिंक सो। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडेज़ क्लास, गॉड ब्लेस यू।